जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, अगर आपको मुझसे बात करना है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लिखकर बात मुझसे कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बहुत सालों से, बहुत दिनों से, कई दिनों से हम परेशान हैं और हम बस उस परेशानी के साथ जी ही रहे हैं, उसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मेजर प्रश्न मेरे सामने कई बार पूछा जाता है और ये बहुत बड़ी बात है। तो आज इस वीडियो को पूरा आप देखें, क्योंकि आप अगर बहुत दिनों से कोई भी, यदि आपका कोई परिचित भी परेशान है, तब भी आप उन्हें ये बात जरूर बता दें तो वो इससे बाहर आ जाएंगे। इस वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर आज कर रहा हूँ। इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें अगर आपको अंत तक देखने के बाद अगर अच्छा लगता है तो। सबसे पहली बात कि हम कई दिनों से एक ही रास्ते पर, एक ही जगह पर या एक ही उस पूरे एटमोसफेयर में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत कोशिशें कर रहे हैं, बहुत यत्न कर रहे हैं, लेकिन हमें सबसे पहली बात है कि भूतकाल में, बीते दिनों में भी कोई हमारे साथ घटना हुई है जिस घटना से हम बहुत ज़्यादा आहतित या दुखी हैं, तो उन जितनी भी यादें या वो जितनी भी बातें, उन्हें आप भूलने की कोशिश करें और अब आगे बढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि पहली और मुख्य बात एक उभर कर बाहर आती है कि जो पीछे हुई गई कोई दर्दनाक घटना या हादसा, उससे हम उभर कर बाहर नहीं निकल पाते, चाहे कितनी भी कोशिश कर रहे हैं। तो पहली और मुख्य बात है कि वो वर्तमान शाश्वत सत्य है और सत्य के साथ हमें रहना चाहिए। इसलिए जो भी पुरानी कोई ऐसी घटना जो हमें उनसे बाहर नहीं निकाल देना चाहती, उससे आप बाहर निकलें। दूसरा पॉइंट है कि हम अपने अंदर जो एक नेगेटिविटी इतने सालों से जो भर गई है, हम बहुत नेगेटिव थॉट प्रोसेस होता है हमारे मन में, जितने भी ख्याल वो नेगेटिव आते हैं, हम कोशिश भी करते हैं पॉजिटिव होने की लेकिन नहीं हो पाते हैं। तो सबसे पहले अपने अंदर जो पॉजिटिविटी और सकारात्मकता को आप जीवित करें, फिर से उसका सर्जन करें और फिर से आप उस ओर डाइवर्ट हो, क्योंकि सकारात्मक ही एकमात्र ऐसी ऊर्जा है जो आपको जीवन में ऊंचाइयों की ओर ले जा सकती है और परेशानी को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। क्योंकि अब होता ही है कि हम पूरे नेगेटिव वे में रह रहे हैं और हमें सब कुछ चीजें नकारात्मक ही दिखती हैं, सब कुछ चीजें नकारात्मक ही होती रहती है। मतलब इस तरह का एक बहुत बड़ा जाल है। इस जाल को काटने का एक ही सबसे मेन और मेन चीज है, अपने माइंड सेटअप को, अपने विचार को, अपनी जितनी भी चीजें इस जीवन में, उन्हें पॉजिटिव कर लें, उन्हें सकारात्मक आपको करना ही होगा। उसके लिए आप बहुत ज्यादा यत्न करें। जो खराब भी हो रहा है उस पर ध्यान ना दें, जो खराब तो सभी हो रहा है क्योंकि खराब की वजह से तो हम यहाँ तक आए, उसमें जो जो चीजें पॉजिटिव अच्छी है उस पर फोकस करें और निकले। क्योंकि जब पॉजिटिविटी आपके साथ इकट्ठी हो जाएगी बहुत सारी, तो आप ऑटोमेटिकली इन सब चीजों से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि सकारात्मक अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा है और वो इतनी बड़ी ऊर्जा है कि आपको अंदर से आत्मविश्वास देगी, आपको अलग फील देगी और आप बहुत जल्द उससे बाहर आ सकते हैं। तीसरी और मुख्य बात होती है कि हमारे घर में जो भी अनावश्यक चीजें हैं जिनका उपयोग नहीं है, उन अनावश्यक चीजों को आप घर से जल्द बाहर कर दें। चौथी बात है, आप अपने गुरु मंत्र, उसका जप ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि गुरु मंत्र के जप करने से ही चीजें जो है बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो ये चार चीजें हैं, इनको करने से पहले स्टेज पर आपको फायदा होगा। इस पर मैं दूसरी वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री महाकाल।